गुरु दे दर तों जिंदगी दी सेध प्राप्त करन दी लालसा वाले गुरु नू प्यार करन वाले गुरसिखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह दे जिंदगी दे बपक्खां विच्चों एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष होंदा है, जेड़ा एक उन्हां लोकां विलों उठाया गया सवाल है जिन्हां लोकां ने गृहस्थ नूं त्याग के सन्यासी बन के सिद्ध बन के योगी बन के जिंदगी बतीत की। उन्होंने गुरु नानक पातशाह के समय तो लैके गुरु नानक जी दे घर नूं बहुत नेड़ों वेखण दा कोखण दा अपने नज़रिए तो अपनी सोच दे पक्ष तो जतन किया है। इतिहास एक बड़ी विचित्र गाथा श्री आनंदपुर साहब दे नाल जोड़ के सानू समझ वास्ते बख्शिश करता है कि पहाड़ां दियां चोटियां तो कुछ योगी लोग श्री आनंदपुर साहब चक नानकी दी उसारी दे मौके इत्थे आउंदे हन। की देखदे ने, इत्थे बाजारां दी उसारी कीती जा रही है। की देखदे ने, इत्थे घरां दी उसारी कीती जा रही है। बहुत वड्डे पद्धर उत्ते चल रहियां उसारियां जदों उन्हां दे दिल दिमाग विच प्रवेश करदियां ने ते नाल नाल उन्हां दे सामने गुरबाणी दी तुक वी आ जांदी है। वो तुक उन्हां दे सामने सवाल खड़ा करदी है। एक पासे गुरु नानक सच्चे पातशाह दा घर ज्ञान वंडदियां ये आवाज़ बुलंद करदा है कि जिन्नी चलण जाने आं से क्यों करें बिथार, जिहदा अर्थ है जिन्हां नूं ये समझ लग गई कि संसार विच नहीं रहना, यह संसार छड के चले जाने, इत्थे कुछ भी बनाया होया थिर नहीं है। भला वो लोग फिर इस तरह के घर क्यों बनाते ने, वो बाजारां दी सृजना क्यों करते ने, वो इस तरह के वड्डे पद्धर का प्रबंध इंतजाम इनू सरंजाम क्यों देंदे ने, ये सवाल उन्हां दे अंदर पैदा हुंदा है। ते समें दे सिद्ध समें दे योगी धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह दे पास दरबार विच हाजिर हुंदे ने ते गुरु पिता नूं सजदा करन तों बाद अपने अंदर पैदा होया सवाल वो श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे नाल सांझिया करदे ने। बाणी दी तुक बोलदे ने गुरु पिता जी। एक पासे गुरु नानक पातशाह दा घर ये कहिंदा कि जिन्नी चलण जाने आ से क्यों करें बिथार, दूजे पासे तुहाडी अपनी निगरानी दे हेठ इत्थे महल माड़ियां बन रहे ने, बाजारां दी उसारी हो रही है, ते सानू समझ नहीं लगती पई गुरबाणी दी तुक की कह रही है जां जो तुसीं करवा रहे हो इन्हां दोवां दा आपस विच मेल कि किवें देखिया जाए किवें समझिया जाए, साढ़े अंदर एक सवाल जन्म लैंदा है। साहिब धन गुरु तेग बहादुर पातशाह सिद्धां दे सवाल नूं सुणदे ने। इतिहास कहिंदा है उस मौके उत्तर देण दी थां गुरु पिता जी मुस्कराउंदे ने ते कहिंदे सिद्ध लोको तुहाडे प्रश्न दा उत्तर दित्ता जाएगा। दीवान दी समाप्ति हुंदी है, संध्या दा समा नेड़े आउंदा है ते गुरु पातशाह जी उन्हां सिद्धां नूं नाल लै के जिहड़े पहाड़ां दीआं चोटियां ते रहिंदे ने चरण गंगा वाले पासे निकल जाते हैं। उस पासे नदी दे कंडे ते बच्चे खेडां खेड रहे ने। जिहड़ियां खेडां बच्चे खेड रहे ने वो है कोई बच्चे हाथ नपदे ने उत्ते रेत सुट के दूजा थापड़ दे अंदरों हाथ खिंच लेंदे ने, एक खोला
एक छोटा जिहा कुरना बनता है, कुछ पैर नपदे ने उत्ते रेत थापड़े ने पैर बाहर खिंच लेंदे ने, थोड़े जे चिर दे वास्ते वो फिर खोला जिहा बन जांदा, इस तरह खाना जिहा बन जांदा। दूजे बच्चे आउंदे ने पैर मारदे ने तोड़ देंदे ने कलकारियां मारदे ने। हुण बच्चियां दी इह जिहड़ी किरिया है इहनूं घर बनाउण दी किरिया कर बनाउण दी खेड किहा जांदा। आम तौर ते जिन्हां दा जीवन नहरां दे कंढ़ियां ते मगदे सूइयां दे दरियावां दे कंढ़ियां ते बीतदा है, उत्थों दे बच्चियां दे लई मन परचावे दी जो खेड है इह घर घर बनाउण दी किरिया वी हुंदी है। जदों इत्थे बच्चे खेडां खेड रहे ने ते धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह योगियां नूं उन्हां सिद्धां नूं कहिंदे ने, सिद्धो कोई देखिया जे, कोई तक रहे जे। सिद्ध जो कुछ देख रहे सन अखां नाल बड़ा सधारण जिहा लै रहे सन ते कहिंदे, महाराज देखिया है बच्चे घर बणाउंदे ने तोड़ देंदे ने। गुरु तेग बहादुर पातशाह नहीं, सिद्धो कुछ होर देखिया जे। हुण सिद्ध कहिंदे, महाराज नहीं, साड़ी समझ ते खेड नूं खेड तक वेखण तक है। धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहण लगे, तू सवाल कीता सी दरबार दे अंदर, ये उस सवाल दा जवाब है। इत्थे घरां दी उसारी ते उहनां नूं मुड़ के ढा देण दी किरिया, इहदे विच किते वी पकड़दा कोई तुहानूं झोला दिखाई नहीं दिंदा होएगा। जिन्हें खुशी घर बनाउण दी है उस तरह की उस तो वध खुशी घर टह जाण दी है। तो सवाल कीता सी कि जिन्नी चलने जाने आ से क्यों करें बिथार, साडा इन्हां घरां दी उसारी नाल साडी सुरत दी कोई पकड़ नहीं है। कल नूं इह घर टहिंदे ने ते साढ़े अंदर कोई इस तरह का एहसास नहीं आएगा, ये घर ढह क्यों गए ने, ये नहीं सी ढहने चाहिए। साढ़े लिए यह ज्ञान दे जिहड़े बोल तुसीं बोले ने उन्हां बोलां दे यही अर्थ ने कि असीं अपनी जिंदगी नूं उस सच नाल जोड़ के रखिए जो सदीवी सच है, उस जो सदीवी हकीकत है कि संसार एक सराह दी न्याई है। सराह इस संसार विच आया हर व्यक्ति जाएगा, जो कुछ असीं बना रहे हां इहदे साडे नाल संबंध जिहड़ा है ये वक्ती है, लंबे समय का नहीं है। ते सानूं संसार विच काम करदे हां, इहो जे मकान बाजार बनाउंदे हां, अपनी सुरत नूं उहदे विच नहीं उलझण देना चाहिए। हुण सिद्धां ने जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे पासों इस तरह रूहानियत ज्ञान भरे बचनां नूं सुणिया, इतिहास कहिंदा है कि उन्होंने धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह दे अगे सजदा किया, महाराज असीं जानते हाँ कि जो तुसीं कर रहे हो वो ताड़ा नज़रिया कोई पकड़ वाला नहीं है। इस सधारण दृष्टि तो अपने ज्ञान विच वाधा करन दे लई, अपनी समझ विच वाधा करन दे लई ताड़े को ये जानकारी लई है। सो ये घटना सानू भी प्रेरणा देंदी है कि असी जिंदगी दे अंदर मकाना विच नहीं उलझना, दुकाना विच नहीं उलझना। असी अपने आप नूं मकान ते दुकान तो उपर लैके जाना है। ये वक्ती जी चीज़ा हैं, ये साड़ी पकड़ का हिस्सा ना बन, इन्हां दे बन दी खुशी जे असी प्रगट करते हाँ तो इन्हां दे ढहण का गम भी साढ़े को नहीं चाहिए, क्योंकि साड़ी तो को सुरत वह चाहिए है जिहड़ी हरख ते सोग तो उपर उठ के रब्बी भौ विच रब्बी पाणे विच विचरे
ते असी हर अवस्था दे विच अपने आप नूं संतुष्ट रखिए। सो सिद्धां दे सवाल नूं सानूं अपनी जिंदगी दे चगिरदे नाल जोड़ के भी देखना चाहिए है, ते सानूं दुनियावी खलजगण विच अपनी सुरत नूं नहीं उलझन देना चाहिए, निर्लेपता बना के रखना। ये धन गुरु तेग बहादुर पिता ने साडे लई उपदेश, साडे लई सबक इन्हां बोलां विच इस घटना दे प्रसंग विच सानूं बख्शिया है। आपां सारे ग्रहण करिए। धन्नवाद। फुल्लां दी खिमां बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।